मेरी चीज क्यों उठाई है और बिना इजाजत। तो ये बता दो कि देखें यही गिलास मेरे पास पिए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रूना। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दाल चावल, जो सिंपली हर किसी के घर में बनते हैं, लेकिन जो मैं बनाती हूँ वो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं दाल चावल। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी, सबसे पहले मैंने हाफ कप मूंग की दाल, हाफ कप मसूर की दाल, टोटल 1 कप मैंने दाल ले ली है, जिसको मैंने 10 मिनट भिगो लिया था। अब उसमें 1 गिलास मैंने पानी का ऐड किया है। अब 1 मीडियम साइज़ की प्याज और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी ऐड करके हम इसको कवर करेंगे ताकि अच्छे से उबाल आ जाए हाई फ्लेम पे। तो 8 से 10 मिनट कवर करने के बाद दाल अच्छे से गल चुकी है और दाल की आप देख लें ये लुक आ गई है। तो अब इसको घोटना चाहिए अच्छी तरह लकड़ी की डोई से। और अगर आप टाइम की बचत करने चाहते हैं और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्लेंडर है तो आप 1.5 से 2 मिनट में ही दाल को अच्छे से इस तरह घोट लीजिए। तो मैंने भी इस तरह टाइम की बचत की थी। और अब मैंने फिर से दाल को चूल्हे पर रख दिया है, हरी मिर्च ऐड की है इसमें, नमक आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कीजिए, इमली का रस ऐड किया है आप अपनी मर्ज़ी मुताबिक ऐड कीजिए। तकरीबन 1 पाव दाल में 5 से 6 टेबल स्पून इमली का रस होना चाहिए और 1 टेबल स्पून ये मसाला इसमें ऐड किया है। इसमें 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1/2 टेबल स्पून दालचीनी है। इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। और अब इसमें हम हरा धनिया ऐड करेंगे। 1.5 से 2 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। तो दाल हमारी रेडी हो चुकी है, अब इसको हम तड़का लगाएंगे। तो 1 पैन में मैंने 1/2 कप ऑयल ले लिया है और तकरीबन 2 टेबल स्पून लहसुन ले लिया है, जिसका पेस्ट नहीं बनाया हमने, इसको दरदरा कूट लिया है। और जो लौंगी मिर्च है ये ऑप्शनल है, 3 से 4 अदद मैंने इसमें वो ऐड किए हैं। तो जैसे ही लहसुन लाइट ब्राउन हुआ मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा भी ऐड कर लिया है। तो दाल को तड़का लगा लिया है, माशाल्लाह से दाल बहुत ही ज़बरदस्त बनी है ये। तो दाल हमारी बन चुकी है, अब हम चावलों की तैयारी करते हैं। तो सफ़ेद चावल सभी को बनाना आते हैं, लेकिन मैंने 1 डेगची में 1 कप ऑयल ऐड किया है, 1 प्याज लाइट ब्राउन की है, उसमें पानी ऐड किया है और जो नमक ऐड किया है कवर करेंगे ताकि इसमें उबाल आए। जो चावल मैं यूज़ कर रही हूँ वो बिल्कुल ही टोटा चावल है और दाल से पर्सनली तौर मुझे बासमती हो या सेला हो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं बिल्कुल जो टोटा चावल होते हैं मैं वो ही पसंद करती हूँ खाने में। तो ये आपकी चॉइस है। तो बहरहाल पानी ड्राई हो गया, तो अब हम इसको कवर लगाएंगे, 5 से 8 मिनट के लिए कवर लगा लेंगे। तो चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। तो आप देखिए मैंने चावलों को थोड़ा भिगो दिया था, तो कितने खिले खिले चावल बने हैं। जी व्यूअर्स, तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी दाल चावल? ज़रूर बनाइएगा, बहुत सिंपल बनते हैं और हर घर का अलग अलग जायका होता है और इंसान सोचता है कि हम कुछ चेंज रेसिपी बनाए और कुछ जायका अलग हो जाए। तो आप ये ट्राई करके देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। एक बात शेयर करूँ कि मेरी एक सिस्टर है और जब मैं उनकी वीडियो वॉच करती हूँ तो उनके पास सेम चीज़ें मेरी जैसी होती हैं, तो मैं उनको परेशान करती हूँ कि ये आपने मेरी चीज़ क्यों उठाई है और बिना इजाज़त। तो सबूत के तौर मैं उनको ये बता दूँ कि देखें यही गिलास मेरे पास पिए तो ये इस सेट में से 1 गिलास घूमे जो कि आपके पास है, तो बराए मेहरबानी मुझे अपना गिलास वापस दीजिए और मेरी कढ़ाई भी वापस दीजिए।
तो जी ये तो थी एक बात जो मैं अपनी सिस्टर से शेयर करना चाह रही थी और समझ गई होंगी वो। तो अगर आपको मेरी रेसिपी, मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। इसी के साथ मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।